नमस्कार दोस्तों, आज 17 तारीख का लास्ट डेट था, तो 17 तारीख निकल चुकी है और 18 तारीख हो गई है। और आज जो है गोरी के एडॉप्शन का जो लॉटरी सिस्टम है वो निकलने वाला है, तो देख लेते हैं एक बार वीडियो में कि कौन कुछ किस्मत है जिसको गोरी मिलने वाली है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि किसको जो है लॉटरी में अलॉट हुई है। दोस्तों, इसके लिए मैं 5 कैंडिडेट्स को जो है अनाउंस करूँगा, देन उनका एड्रेस और नाम वगैरह मैं आपको जो है पेपर पे शो कर दूंगा और वैसे अनाउंस भी कर दूंगा। तो देखिए पहले कि वो कौन कुछ किस्मत है, 5 लोग जिनके नंबर आए हैं, और उनमें से फर्स्ट अगर आता है तो बाकी 4 का नाम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर फर्स्ट नहीं आता है तो सेकेंड को जो है हम अप्लाई करने के लिए बोलेंगे कि आप आ सकते हैं। सेकेंड नहीं आता है तो थर्ड, और थर्ड नहीं तो फोर्थ, और फोर्थ नहीं तो फिफ्थ। और क्वालिटी ऐसी है कि कोई फिफ्थ तक पहुंचने की वो नहीं रहेगी। देखते हैं कौन क्या होता है, एक बार लॉटरी की तरफ चलते हैं अपन। ओके, देखिए जो है लॉटरी क्या है। दोस्तों नमस्कार, यही है वह गौरी। गौरी देखिए दोस्तों कितनी शांत है, देख लीजिए इसके हेयर वगैरह। ये आपको फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या इसकी हेयर ग्रोथ है, क्या इसका है। बिल्कुल शांत स्वभाव की है दोस्तों। देखिए जैसी इच्छा हो वैसे कर लो इसको। दोस्तों जो है मैं इसका लॉटरी सिस्टम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये इस बॉक्स के अंदर मैंने जो है पर्चियाँ डाल रखी है, और जो है ये छोटा बच्चा है, इसको मैं अभी उसमें राइट डाउन करवा दूँगा उस पर्ची के अंदर। और ये जो है सिस्टम में से 5 पर्चियाँ निकालेगा, और फिर उसका नाम अनाउंस में टोकन नंबर तो आपके पास है, आप देख सकते हैं टोकन, और मैं टोकन ही अनाउंस करवाऊंगा। नाम फिर मैं एक ऑफिस जाके और फिर मैं अनाउंस करूंगा। हाँ बेटा, एक एक पर्ची, सिंगल सिंगल पर्ची निकालना है ना, कोई सी भी निकाल ले यार। हाँ खोल इसको, इधर आ। क्या नंबर है ये? 442। 442। ध्यान रखिए दोस्तों, 442 पहला है, 442। ठीक है बेटा, दूसरी लेके आओ। दूसरी में क्या है? 592। 597 है बेटा, 97। 442, 597। और लेके आओ बेटा, एक और लेके आओ, सिंगल सिंगल। वन हंड्रेड फिफ्टी टू 152, 1233 हुआ बेटा। और लेके आओ, जीरो जीरो नाइन, 009। ठीक है, और लेके आओ बेटा, 1 2 3 4, 4। एंड इसमें क्या है नंबर? इसमें है 138, 138। 138, ओके 138। देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी पर्चियाँ हैं 5 लोगों की। फर्स्ट में है 44, फर्स्ट में है 44 करके कुछ है। तो दोस्तों आपने देखा कि लॉटरी में कौन कौन खुशकिस्मत था, और उनका नाम जो है वैसे मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया अभी आपके सामने, बच्चे से जो लॉटरी निकलवाई। और अभी और मैं आपको नाम अनाउंस कर देता हूँ, वो विद टोकन नंबर जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं टोकन उनसे, कि एक तो है 442 जिनका नाम है राजेश कुमार, पेगमपुर दरभंगा बिहार से है ये, और अभी उनको मैंने कॉल भी कर दिया है। अब वो 2 या 3 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। देन उसके बाद में सेकंड जो है वो है नितेश जी भारद्वाज, रायका मंदसौर एमपी, और उनका टोकन नंबर है 597। एंड थर्ड नंबर पे जो है वो है 152,
152 गोपाल सिंह यादव थे है पिपराई अशोक नगर एमपी। एंड फोर्थ जो है वो है 009 लकी नंबर विकास दग्दी आदर्श नगर ब्यावर अजमेर। एंड जो फिफ्थ नंबर पे जो है वो है 138 दीपक जी चौधरी फुलेरा जयपुर राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे पांच कैंडिडेट जिनका अनाउंस किया गया है लॉटरी के अंदर कि आपकी लॉटरी निकली है, और उनको कॉल करके भी बता दिया गया है कि आपके जो है नंबर इस नंबर पे है आपका। और अगर आपके जैसे फर्स्ट नंबर को कॉल किया तो उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया, अभी वीडियो डालने से पहले उनको कॉल कर दी गई थी, सेकंड नंबर को भी कॉल कर दी गई थी, और थर्ड नंबर का खुद का कॉल आ गया था तो उनको भी बता दिया गया है, फोर्थ पे जो है उनका भी कॉल आ गया उनसे भी बात हो गई है, और फिफ्थ नंबर को भी अभी बता दिया गया है, और अभी उनको व्हाट्सएप भी कर देंगे ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए कि उनका लॉटरी में कौन सा नंबर है, कौन सी रैंक है और कब उनको क्या करना है वो सब चीज़ें। और दोस्तों मैं एक चीज़ ये और बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि आपको आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हैं सर और आधार कार्ड नंबर ही मांग रहे हैं क्या, तो ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपसे आधार कार्ड ही ले लें। दोस्तों आपका आईडी मेंटेन वह होना चाहिए कि आपका उसमें एड्रेस प्रूफ हो, वो चाहे आपका मजदूर कार्ड हो, स्टूडेंट कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी जो गवर्नमेंट कार्ड हो, हमें आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है कि हम आधार कार्ड या पैन कार्ड या ऐसा कुछ मांगे, हमें एड्रेस चाहिए कि आप परमानेंट वहाँ के रेजिडेंट हैं या नहीं है, बस इसीलिए हम आधार कार्ड मांगते हैं दोस्तों। बाकी वो कुछ भी हो सकता है, लाइसेंस भी हो सकता है, तो पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड में नहीं होता एड्रेस, आधार कार्ड भी हो सकता है, तो राशन कार्ड भी हो सकता है, एक स्टूडेंट कार्ड भी हो सकता है, तो एक मजदूर कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी आप जो है कार्ड लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट जिसका अनाउंस किया गया है राजेश कुमार जी, तो उनको भी मैंने यही बताया कि आप तीन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सेम एड्रेस के होना चाहिए जिससे हम ये कंफर्म कर सकें। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आपको और अच्छी बात अनाउंस कर देता हूँ कि आप ये कभी मत सोचिएगा कि हमारा नंबर नहीं आया है या हमने टोकन भरा। अब दोस्तों लगभग 700 के आसपास जो है टोकन जो लिए गए थे और उनमें से केवल पांच कैंडिडेट चुने गए थे, और पांच कैंडिडेट में से भी एक को ही मिलना है, बाकी ऐसा मत सोचिए कि हमारा नंबर नहीं आएगा या हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। मैं लॉटरी सिस्टम इसीलिए निकलवा रहा हूँ ताकि हर आदमी ये नहीं कह सके कि मेरा नंबर नहीं आया, आपके मिलने वाले को दे दिया गया है। तो दोस्तों बहुत से फीमेल्स पपी अभी मेल्स फीमेल्स पपी है और लगभग 80 to 90 के आसपास तो होंगे मेरे हिसाब से, बाकी और ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अभी तो जनवरी फरवरी मार्च ये तो कंप्लीट निकलने वाला है दोस्तों, कि ये एडॉप्शन के अंदर ही निकलने वाला है। तो आप और अप्लाई कीजिए, मैं कल या परसों, और नई फीमेल है एक जो भीलवाड़ा ज़िले से लेके आया था राजस्थान के, तो उसका मैं अडॉप्शन का वीडियो जल्द ही डालने वाला हूँ। हैव ए नाइस डे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसका ये एक रीज़न है कि हम स्ट्रीट डॉग के लिए काम कर रहे हैं, और अगर इनसे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो उन्हीं के काम आना है, हमारे काम नहीं आना है दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम हमारी जेब से खर्च कर रहे हैं पैसा स्ट्रीट डॉग के लिए। देन जो ये फर्स्ट एड फॉर एनिमल बनाया गया है वो अगर रेवेन्यू जनरेट करता है चैनल तो वो केवल और केवल स्ट्रीट डॉग के ही काम में लेना है सर हमें, इसीलिए हम ये जो है यूट्यूब पे चैनल बनाया है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अडॉप्शन करवा रहे हैं ये चीज़ें, जो भी पपीज़ है या एडल्ट है या जो भी सेमी एडल्ट है। बाकी आप खुद आएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ वास्तव में कैसा काम चल रहा है या क्या काम चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है। आपसे किसी तरह का कोई हम यहाँ आने के बाद में भी चार्ज नहीं लेंगे दोस्तों, आप एक सिंगल रुपीज़ भी हमें नहीं देना होता है आपको, केवल आपको एग्रीमेंट करना होता है और आपका पपी आपको लेके जाना होता है। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा चैनल फर्स्ट एड फॉर एनिमल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए आपके जो भी मिलने वाले हैं उनको भी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।